नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आज की प्यारी सी सुबह में एक बार पुनः। मित्रों, आज अपने एक मित्र से चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी कि कैसे जीवन में सबको खुश रखा जाए। तो उसने बहुत ही मजाकिया लहजे में इसका उत्तर दिया कि जीवन में सबको खुश रखना तो ठीक वैसा ही है जैसे जिंदा मेढकों को तराजू में तौलना। यदि आप किसी एक को रखते हैं तराजू पे तो दूसरा उछल करके नीचे कूद जाता है। बात सही भी थी उसकी, लेकिन फिर भी हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि हम कैसे हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी कैसे खुश करें। प्रश्न तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका उत्तर लेकर आज हम आए हैं अपने आज के सुवाक्य में। आइए सुनते हैं। अगर कोई इंसान खामोश है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कमजोर है, बल्कि यह उसका बड़पन है। खामोशी एक शक्ति है। आवाज में रहना आसान है, लेकिन आवाज से परे जाने की शक्ति को ही खामोशी कहते हैं। खामोशी में शांति की शक्ति समाई हुई होती है, क्योंकि जो शांत रहता है वो परिस्थितियों को परखना जानता है। कोई भी परिस्थिति में एक शांति प्रिय इंसान को कमजोर समझना उचित नहीं है, इसीलिए क्योंकि जब कोई शांत रहता है वो उसका बड़प्पन होता है, दूसरों को सम्मान करने का उसका एक तरीका होता है। इस तरह औरों को अपनी मत प्रस्तुति का एक प्रयास वो प्रदान करता है। कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर जवाब देना तो आसान है, लेकिन खामोश इंसान अपने अंदर सब कुछ समा लेता है और शांति से परिस्थिति को ठीक करता है, इसलिए वो सम्मान का हकदार होता है। पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं होते हैं तो यहाँ थोड़ा अंधेरा रहता है, और अंधेरा है तो फिर हम दूसरों को रोशनी कैसे दे सकेंगे। और फिर कामना भी रहती है हमारी कि दूसरे हमें खुशी दें, आनंद दें, तब हम भी दें। लेकिन जब ऊपर वाले से जुड़ जाते हैं तो ये कामना, ये अपेक्षा नहीं रहती, बल्कि हम देते चलते हैं, सूर्य की तरह देते चलते हैं, नदी की तरह। तो आप देते चलें, क्योंकि जितना देंगे उतना ही प्राप्त भी होता चलता है, यही अध्यात्म हमें सिखाता है। और साथ ही साथ अपने आप को अच्छी क्रिएटिव चीज़ों के साथ जोड़ करके भी रखें। मित्रों, लगातार हमारी सेहत पर बात हो रही है कि कैसे क्रिएटिव राइटिंग या जर्नल या फिर अन्य बातें हमारी ब्रेन को प्रभावित करती हैं। आइए अगली कड़ी में पुनः हम सुनते हैं कि कैसे हमारा मस्तिष्क इन पॉजिटिव चीजों से प्रभावित होता है। ओम शांति, स्वागत है आपका ए टू जेड इंडियन सुपर फूड सीरीज में। आज का अल्फाबेट एल, और एल से दो सुपर फूड्स है, लीची एंड लेमन। समर सीजन में लीची जब आना शुरू होता है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। कुछ लोगों को उसका कवरिंग निकाल कर अंदर जो वाइट वाइट होती है, बहुत जूसी फ्रूट होता है। तो लीची में मैक्सिमम 85-90% वाटर होता है, और ये जो वाटर है बहुत अल्कलाइन होता है। तो समर सीजन में कुछ दिनों के लिए जब लीची अवेलेबल होता है तो ज़रूर ज़रूर लीची खाएं, क्योंकि ये जो लीची का वाटर, जो जूसी फ्रूट है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर के समर्स में स्पेशली जो बहुत हीट हमारी बॉडी में ज़्यादा होने लगता है, पेट गर्म हो जाता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा ये एक फ्रूट है। और साथ साथ में अगर आप वेट लॉस के बारे में भी सोच रहे हैं तो बाकी के फ्रूट्स के साथ साथ अगर लीची ज़्यादा खाएँगे, जैसे समर फ्रूट्स होते हैं तो वाटरमेलन भी बहुत वाटरी फ्रूट है, तो उस तरह से लीची भी वाटरी फ्रूट है। ऐसे जितने भी फ्रूट्स जिसमें वाटर की कंटेंट ज़्यादा है आप खाते हो तो वेट लॉस होता है। तो लीची में वो सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स है, बहुत माइन्यूट अमाउंट जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ लीची खाने से सारे विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी को मिलेंगे। और सेकेंड नंबर पे है लेमन। नींबू का जूस जब लेते हैं तो उससे हमारा वेट लॉस होता है। नींबू लेने से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होती है, बहुत सारे फायदे हैं। तो लेमन अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और अगर आप लेमन जूस पी रहे हैं और ये डरते हैं आर्थराइटिस वाले स्पेशली कि हमारा पेन, घुटनों का दर्द ज़्यादा हो जाएगा, तो बिल्कुल मत घबराइए,
लेमन जूस ज़रूर पीजिए, क्योंकि लेमन यानी कि नींबू बहुत एसिडिक होता है, लेकिन वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होकर जब पेट में जाता है तो हाईली अल्कलाइन बन जाता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये दो सुपर फूड यानी कि लीची और लेमन, इसको लेना स्टार्ट कीजिए। सीज़न है तो लीची लेना स्टार्ट कीजिए, नींबू तो आप साल भर ले सकते हैं नींबू का जूस। सो स्टे फिट स्टे हेल्दी। थैंक यू। ओम शांति। पितरों, ईश्वर से जुड़ करके तो सदा आनंदित हम रहते ही हैं, लेकिन साथ ही जुड़ करके एक सुंदर चीज़ हमारे जीवन में आ जाती है और वो है दूसरों को सहयोग देना। रतन टाटा जी अपना सुंदर अनुभव शेयर कर रहे थे, कहीं मैं पढ़ रहा था, कि कैसे खुशी प्राप्त हो, सच्ची खुशी क्या है। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं सोचता था कि बहुत सारे पैसे हों तो सच्ची खुशी होगी, लेकिन बहुत पैसे आ गए, उसके बाद भी लगा कि नहीं कुछ और चाहिए, फिर लगा कि बहुत अच्छी पोजीशन हो तो बहुत अच्छा पद पोजीशन भी आ गया, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं सच्ची खुशी कुछ और है, फिर लगा नहीं बहुत मान मर्यादा प्रतिष्ठा सम्मान ये सारी चीज़ें हों तो खुशी हो, ये सब भी मिले, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं कहीं कुछ और कमी है। एक बार उनके एक मित्र ने कहा कि कुछ विकलांग बच्चे हैं, उन्हें आप व्हील चेयर यदि डोनेट कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इन्होंने व्हीलचेयर की व्यवस्था की, उनके मित्र नहीं ले चले कि चलिए आपके हाथों से ही ये कार्य हो, उन्होंने सबको व्हीलचेयर प्रदान किए। और जब रिटर्न हो रहे थे तो एक बच्चे ने व्हीलचेयर पे बैठे बैठे ही इनका पैर पकड़ लिया। तो इन्होंने पूछा कि बेटा कुछ और चाहिए तुम्हें? उसने कहा कि नहीं नहीं मैं बस आपका चेहरा ध्यान से देखना चाहता हूँ ताकि मैं स्वर्ग में आपको पहचान सकूँ। सचमुच रतन टाटा जी कहते हैं कि उस दिन मुझे लगा कि सच्ची सेवा क्या है, सच्ची खुशी क्या है, ये वो चीज़ है जो हमें आनंद देती है, सच्ची खुशी देती है। मित्रों, दूसरों को देना, सहयोग देना, उनके हित में कार्य करना, ये सचमुच जीवन को खुशनुमा बनाता है। तो हम भी ऐसे सुंदर कार्यों से अवश्य जुड़ें ताकि जो अंदर का आनंद है उसे महसूस कर सकें, और यही आनंद महसूस करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। आइए, सुंदर अनुभव लेकर हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, देखते हैं आज अपना अनुभव हमारे साथ कौन साझा कर रहे हैं। आप एक लंबे समय से इस क्षेत्र में रहे हैं तो मीडिया के क्षेत्र में बहुत सारा बदलाव आया, पत्रकारिता के क्षेत्र में बदलाव आया। पहले जितना न्यूज़पेपर्स के बारे में बात होती थी, अब जैसे टेलीविजन चैनल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं और सब कुछ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइव किसी चीज़ को रिपोर्ट करना, इन सब चीज़ों के प्रति बहुत ही तेज़ी से बदलाव आता गया। खासकर पिछले 10 सालों में तो ये एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़ गया। तो ये जो बदलाव आप देख रहे हैं मीडिया के क्षेत्र में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जब मैं इस प्रोफेशन में आया था तो सिर्फ एक दूरदर्शन हुआ करता था जी, और मेरे सामने ही ये लाइव मीडिया, एंटायर चैनल्स, ये सब, इनका पूरा सफ़र मेरे आंखों के सामने से लगातार गुजरा है और मैंने देखा है चीज़ को। लेकिन एक चीज़ मैंने ये पाया कि नए युग में, नई व्यवस्था में ज़्यादा चुनौतियां हैं, लेकिन जो समझदारी और जो हमारी लक्ष्मण रेखाएं हैं उनको हम मेंटेन करने में कई बार चूक जाते हैं। अगर एक घटना हो गई तो हमारे आज के एंटायर चैनल वनडे मैच बना देते हैं। इट शुड नॉट बी डन। मेरा मानना ही है कि समाचार को समाचार के रूप में ही एक बार दिया जाना चाहिए। अगर आपको विचार देना ही है बतौर संपादक तो अलग से दें आप, इसलिए कि समाचार में विचार मिला करके समाचार ना दें, लेकिन इससे अनाचार होता है। मित्रों, खुशी भी दो प्रकार की है, एक है टेम्परेरी खुशी और दूसरी है परमानेंट खुशी। टेम्परेरी खुशी वो है जो हम सिनेमा देख करके, मूवीज देख कर, पिकनिक पे जा करके या फिर कुछ गपशप करके हम प्राप्त करते हैं, लेकिन परमानेंट खुशी वो है जो अंदर से हमें प्राप्त होती है कुछ सेवा करके, जैसे सेवा का भाव मैंने ऊपर आपको बताया। वास्तव में परमानेंट खुशी के लिए एक सुंदर सा जरिया अध्यात्म और ध्यान है। आप सभी को पुनः
मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। शांति की क्रांति लाने वाले युवा शांति दूत की तस्वीर प्रस्तुत करती है ये काव्य रचना, वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेदारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। हर विकास के पथ की कर्ता युवा ही तो अगुवाई है, युवा वही है जिसने परिवर्तन की अलग जलाई है। अपने दृढ़ निश्चय से मरु में भी जलधार बहाई है, दैहिकता के तम में पावनता की ज्योत जलाई है। संकल्पों से विश्व बदलना है जिसकी तैयारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। जो चाहे वो कर सकता है युवा नाम उस जोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश ना हो आक्रोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश ना हो आक्रोश का। विकट समस्या में भी जो ना छोड़े दामन होश का, गूंज उठे फिर चहुं दिशा में स्वर उसके जय घोष का, स्वर उसके जय घोष का। अपने मन को जीत के जिसने किए सिंह सवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। व्यसनों और विकारों को ना जीवन में स्वीकारा हो, ठान चुनौती जिसने हर बुराई को ललकारा हो, लगन की अग्नि में तप करके निज स्वरूप निखारा हो, ऐसा स्वरूप रूहानी जैसे कोई फरिश्ता न्यारा हो, जिसकी रूहानियत के आगे झुके ही दुनिया सारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति दाता शिव का युवा बना जो शांति दूत, शिव के दिखलाए पथ पर चल शिव का बना सपूत, ज्ञान योग के बल से जिसका जीवन है मजबूत, त्याग तपस्या और सेवा का सच्चा दिया सबूत, ऐसा शांति दूत कि शिव भी हो जिस पर बलिहारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। नमस्कार, धन्यवाद। इतना शुरुआत हमने की थी खुशी से और खुशी की प्राप्ति ईश्वर के सानिध्य से। लेकिन कई बार मन में प्रश्न उठता है कि ईश्वर हैं कहाँ जो उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो। ईश्वर सचमुच वो प्रकाश हैं जिनके लिए हम थोड़ा वक्त निकालें ताकि उन्हें समझ सकें। ब्रह्मा कुमारीज में यह सुंदर ज्ञान तो दिया ही जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने लिए भी वक्त निकालें। कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ तो पल ऐसे निकालो प्यार कर लो भगवान से। कुछ पल अपने लिए निकालें, साइलेंस में बैठें, अपने अंदर जाएं, स्वयं के साथ बातें करें। ईश्वर जो प्रकाश स्वरूप हैं, निराकार हैं, उनसे भी बातें करें, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं तो हमसे दूर तो नहीं हैं, लेकिन जब हमारी दिल की बात वो सुनते हैं तो हमारे और नज़दीक आते हैं। और उनके सामिप्य को, उनके सानिध्य को हम जैसे जैसे अनुभव करते चलते हैं, अंतर प्रकाशित होता चलता है और अंदर में जो अमृत है, जो खुशी है, आनंद है, वो प्रस्फुटित होने लगता है, जो औरों को भी प्राप्त होता है। और यही जीवन का सत्य है मित्रों। जितना जल्दी हम इसे समझ पाते हैं, उस अमृत का पान कर पाते हैं और जीवन को सार्थक बना पाते हैं। तो आज अवश्य इस पर विचार कीजिएगा और एक कदम इस ओर जरूर बढ़ाइएगा। कल पुनः मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।